last night. सबसे पहले आप हम लोगों ने काफी वीडियोस भी देख लिया इंसान के अंदर क्या होता है, सेक्स फर्टिलाइज के दौरान, है ना। और एनिमल में भी देखा कि प्रकृति का एक नियम है, जीवन का नियम है, क्या करता है अपने आप का कॉपी बनाता है, उसको क्या बोलता है, रिप्रोडक्शन। तो फिर से जैसे मैंने आप लोगों को ये क्लास शुरू करने एक पहले सवाल पूछा था, अब फिर से उसी से शुरू करेगा, ठीक है। कि क्या जब हम सेक्स बोलते हैं या फिर एसईएक्स कहीं पढ़ लेते हैं तो दिमाग में क्या आता है, फिर से वही सवाल बताइए। आपको बता सका तो हम काफी बात कर लेंगे, तो मैं तो बताओ करी मतलब अच्छा वो सेक्स है, ठीक है। वो बस इंसानों में है क्या, प्राणी में? हर एक में। अच्छा, और सेक्स और रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है? हाँ, लेकिन हर बार सेक्स के साथ रिप्रोडक्शन होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? कब सेक्स होगा लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं होगा? बेसिकली स्पर्म को एग से मिलना है तभी रिप्रोडक्शन होगा। तो किस तरह के सेक्स से बिल्कुल कभी रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, वरना तो ठीक है। लेकिन एक और जो बात क्या हमने द्वारा, जैसे आदमी और सेक्स कर रहा है तो क्या होगा? सर आदमी और आदमी, हाँ, और औरत और सेक्स करेगा उसको बोलते हैं होमोसेक्सुअलिटी, HOMO। तो इस चीज को भी हम समाज में बहुत गलत मानते हैं, लेकिन ये भी प्रकृति, ऐसा नहीं है कि बस इंसानों में ही होता है, ये जानवरों में भी है। कुछ स्पीशीज होता है जैसे कुत्ता, मेल दो कुत्ता सेक्स करता है या फिर कोई और जानवर करता है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि प्रकृति में कहीं नहीं है, बस थोड़ा कम होता है, ये ज्यादातर रिप्रोडक्शन के लिए होता है ना सेक्स, मेल फीमेल, ठीक है। तो जो तुम बोला तुम क्या बोला, करा के लिए, हाँ। तो कराकिरी का क्या सही? अच्छा, तो कराकिरी जो तुम बोल रहा है उसके जब तुम सोच रहे, वो कहाँ से आ रहा है, जो दिमाग में जो थॉट्स आ रहा है, हाँ कहाँ से आ रहा है? समाज से। समाज से कैसे? तुम तो कराकिरी अभी नहीं किया है ना, हाँ, फिर कहाँ से आ रहा है? डीएनए से नहीं आ रहा है, अभी दिमाग का है, डीएनए से आ रहा है जब तुम कराकिरी करेगा, जब तुम बोल रहे कहाँ से आ रही है दिमाग में, कहाँ से आया? समाज से। समाज से कैसे? हाँ समाज से कैसे, किन जगह से आया? जैसे हेरिटेज, ठीक है, कैसे हेरिटेज तो ठीक है, तुम शब्द बोल दिया, लेकिन कैसे, कहाँ पे देखता है तुम ये सब, कहाँ पे सुनता है इन चीजों के बारे में? कान में। हाँ ठीक है, लेकिन कोई बोलने वाला होगा ना, या फिर कहीं देखा होगा, कहाँ से आता है ये सब? वीडियो और न्यूज़पेपर और हाँ कोई बताता है, टीवी फिल्म ये सब। तो बार बार हम क्या बात करते हैं कि जो सेक्स वो है क्या है, बस एक प्राकृतिक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, हाँ, तो जो पीनस है क्या है, वो बेसिकली एक अंग है, पेट आंख नाक उसी के तरह, जिससे स्पर्म औरत के अंदर जा सकता है बस। उसके अलावा जितना भी जो सेक्स का जो करा के लिए सब दिमाग में बनाया गया वो इंसान में बस है, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस बस उतना है, ठीक है। और वैसी वजाइना क्या है, एक अंग है, एक होल है शरीर में, जैसे ये मुंह भी होल है, आंख भी होल है, नाक होल है, इस होल से क्या होता है, सांस जाता है, इस होल से क्या होता है, आवाज जाता है, इस होल से खाना जाता है ना, इस होल से क्या होता है, यूरिन निकलता है, और दूसरा क्या होता है, फीमेल में जो वजाइना है उसके अंदर स्पर्म ताकि वहां से घुस सके बस। उसके अलावा जो इतना जो वो देख कर क्या है, ऐसे हो जाता है आंखें, या फिर ये क्या है, ब्रेस्ट क्या है, हाँ,
हर मैमल में है ना, हर मैमल में देखता है ना, कोई भी जानवर गाय से लेकर कोई भी मैमल देखेगा, उसका मैमल का क्वालिटी यही है कि पोषण नर्चर जो बोलता है, पोषण दे सकता है कैसे, दूध मिला के, है ना। तो ये हम क्या है, दूध पिलाने के बच्चे को बड़ा करेंगे, उसको हम देखना कुछ करेंगे क्या करते हैं, हमेशा ढक तुम लोग शर्ट खोल के घूम लेता है ना, है ना, लड़की घूम सकता है क्यों, हेरिटेज है, लेकिन क्यों, कहाँ से हेरिटेज क्यों बनाया गया, होना चाहिए समाज क्यों, क्या है यानी कि वो देख के लोग पागल हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, क्यों होता है, फिल्म देख के ये सब ये चीजें हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ उसमें खराब भी नहीं, अगर शरीर आप देखेगा तो क्या है, शरीर काम भी है बहुत, लेकिन उस चीज को सोच सोच के हम लोगों ने इतना कुछ बड़ा बना दिया है कि ऐसे आम कैसे हो जाता है ना। पिक्चरों में स्पेशल लोग पैसा देते हैं 200 रुपए बस हीरोइन को नंगा देखने के लिए, थोड़ा स्कर्ट वर्ट में देखने के लिए, तो ये सब चीजें बस वही, इन चीजों में हम जो बात कर रहे हैं ये लोग आप थोड़ा समझो और सवाल उठाओ, बार बार इस कुछ में क्या आ जाता है, कोई भी चीज आपको बस ऐसे ही नहीं समझ लेना है, सवाल उठाना है ना, अगर वो चीज आपको आपके सवालों का जवाब मिल रहा है या कुछ लॉजिक दिख रहा है उसमें तो आप करिए, नहीं तो सवाल उठाना जरूरी है, क्योंकि अगर हम सवाल नहीं उठाते तो अभी तक हम शायद आदि मानुष ही रहते हैं। और अगर रिसेंट हिस्ट्री में देखो क्या है, सती ये सब जो प्रथा है, सवाल नहीं उठाता कोई तो ये अभी तक चल रहा होगा, ऐसे ही हम इंसान का काम ही है, समाज का भी काम है, निरंतर समाज में कुछ कुछ जो व्यक्ति है इंडिविजुअल वो सवाल उठाते हैं ताकि समाज का सुधार हो, नया कुछ बने, ठीक है। तो अब ये तो हमने प्रिलिमिनरी बात, अब थोड़ा साइंटिफिक उससे एंगल से देखते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होगा, क्या होता है रिप्रोडक्शन, उसका संज्ञा क्या है, डेफिनेशन क्या है, हाँ, और क्या है, कुछ ही प्राणी करते हैं, कौन कौन करता है रिप्रोडक्शन, मेल और फीमेल, हाँ नहीं उसका भी रुको, मेल और फीमेल भी आया, रिप्रोडक्शन सब जानवर करते हैं, सब जीव जंतु करते हैं, हाँ समस्त जो भी लाइफ, जिस तरह से हम लाइफ मानते हैं, प्लांट एनिमल बैक्टीरिया जो भी है वो रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन के द्वारा वो क्या करता है, बेसिकली कोई भी एक जीवित जंतु अपने जीन्स जो उसका डीएनए है उसका एक कॉपी बना रहा है ताकि एक उसके जैसा उसका नया प्राणी बने, ठीक है। दो प्रकार का होता है क्या, हाँ एसेक्सुअल और सेक्सुअल, अब पहले एसेक्सुअल का बात करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, हाँ ठीक है बेसिकली एक एक जंतु होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो मेल फीमेल या फिर दो, ठीक है। एसेक्सुअल में बस एक ही प्राणी होगा, वो क्या करता है उस किसी बस उसी का डीएनए बस उसी का जीन पास हो रहा है और कोई भी, है ना, जैसे अगर मैं एसेक्सुअल है तो बस ईशान का डीएनए उस नए मेरे बच्चे में आएगा और कोई भी औरत या मेल फीमेल नहीं है किसी का। तो जैसे क्या बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का मैं आपको क्या अमीबा मान लो, बहुत सिंपल एक प्रोसेस होता है जिसको बोलता है बाइनरी फिशन, ठीक है। बाइनरी फिशन यानी कि बेसिकली एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है, आपको दिखा है कैसे होता है, थोड़ा ऐसे वो पहले स्ट्रेच होगा बीच में से, और ये सब माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हैं, न्यूक्लियस भरा हो रहा है और फिर दोनों नया दो अमीबा बन गया है ना ऐसे। तो इसमें क्या हो रहा है, डीएनए बिल्कुल हमेशा सेम रहेगा, कुछ नया डीएनए नहीं आएगा, समझ गया इतना, ठीक है। और ऐसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और भी कई तरीका होता है, जैसे कि हाइड्रा में बर्डिंग होता है, उसको हाइड्रा शायद बायोलॉजी बुक में देखा हो ऐसा कुछ होता है, हाँ। तो इसका क्या होता है, बर्डिंग में क्या होता है, एक नया प्राणी यहां से ऐसे निकलने लग जाता है और धीरे धीरे करके वो अलग होके एक नया ऐसे जंतु बन उसी के जैसा बन जाता है। जैसे क्या है, डीएनए सेम है और कोई दूसरा प्राणी अपना डीएनए नहीं डाला है, तो जीन हमेशा तो सारे ये अमीबा और ये अमीबा सेम रहेगा, ये हाइड्रा और ये हाइड्रा बिल्कुल एक देखने में बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ कलर अलग नहीं होगा, कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है। ये लोग बस तभी बदलते हैं जब कभी गलती से एक चीज होता है म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब जब एनवायरमेंट
आपके आसपास का जो सराउंडिंग है उसके हिसाब से डीएनए में कुछ बदलाव आ जाता है। जैसे डीएनए डीएनए से ऐसा होता है ना, और मैंने आपको क्या बताया था, हमारे उसमें ये जो कोड है ये प्रोटीन्स है, तो इन प्रोटीन्स का जैसे ए टी जी यू, जिस तरह से अगर यहाँ पे ए टी है, यहाँ पे जी यू है, यहाँ पे टी ए है, उसके हिसाब से इसमें जानकारी स्टोर्ड है कि जो भी जंतु है वो कैसा होगा, उसका सर कैसा होगा, बॉडी कैसा होगा, ये सब। ठीक है, तो म्यूटेशन क्या होता है, जब गलती से एक म्यूटेशन क्या होता है, हाँ वो आ गया, ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है, जब गलती से एक प्रोटीन यहाँ से हट जाए या फिर इसकी जगह कुछ नया आ जाए, तब क्या होगा, पूरे स्पीशीज में कुछ नया बदलाव आ सकता है। हो सकता है हाइड्रा का कलर रेड हो जाए या फिर कुछ हो जाए, बस म्यूटेशन से हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा जगह आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और म्यूटेशन ज्यादातर ये म्यूटेशन का सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होता है, दो प्लांट्स दो तरह दोनों तरह से रिप्रोड्यूस कर सकता है ज्यादातर, एसेक्सुअल सेक्सुअल। सेक्सुअल किस तरह से करता है, फ्लावर के थ्रू, फ्लावर फ्लावर का भी थोड़ी देर बाद बात करेगा। और एसेक्सुअल क्या होता है, वो अपने बिना बीज के बिना दूसरे फ्लावर के हेल्प के नया बच्चा पैदा कर सकता है। ठीक है, और क्लोनिंग, क्लोनिंग सुने क्या होता है, क्लोनिंग क्लोन क्लोन डॉली द शीप, बेसिकली अगर जैसे परमानंद है यहाँ पर, मैं इसका थोड़ा सा डीएनए इंजेक्शन से निकाल के ले लेता है और लैबोरेटरी में जाता है और उसी डीएनए से बिना किसी बाहर की मदद से उस डीएनए को फिर से एक नया परमानंद बना देता है, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्योंकि बस परमानंद का जीन्स है और कोई जीन्स नहीं आया ना। और ये हो रहा है, ये सब लैब में साइंटिस्ट ने शीप माउस ऐसे ऐसे जानवरों को एकदम कॉपी बना दिया कि बस डीएनए लेंगे, कोई सेक्स नहीं कुछ नहीं, बस डीएनए लेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, एसेक्सुअल। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हाँ ज्यादातर एक ही स्पीशीज का दो प्राणी, और ज्यादातर क्या होगा, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, मेल फीमेल अब अलग अलग होता है, लेकिन ज्यादातर आप मेल फीमेल कैसे पहचानते हैं, मेल के पास थोड़ा पीनस टाइप का चीज होता है और फीमेल के वहां पे वेजेंडा टाइप का एक बोल होता है। ठीक है, सब ज्यादातर जानवरों में होता है, देखा है ना, डॉग्स को सेक्स करते देखा है, कुत्ता लोगों को, है ना, सबका वही सिस्टम है ना, गाय का भी वही सिस्टम है, तो वही फिर से कोई स्पेशल नहीं है इंसान के अंदर, ये जो सेक्स वाला चीज पूरा प्रकृति में फैला हुआ है। ठीक है, हाँ फूलों का बात करता हूँ, फूलों में क्या होता है, फ्लावर्स फ्लावर्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हाँ सेक्सुअल, हाँ फूल देखा है सबने, लाना चाहिए वो एक, ठीक है, भूल जाना। लेकिन आपको पिछले बार एक क्लास में दिखाया था ना फूल का पार्ट्स, तो जैसे ये जो एक आज कल जो हिबिस्कस पार्ट है, जो बड़ा सा रेड कलर का हर जगह दिखता है, हिबिस्कस बोलता है, मंदार फूल, ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हिबिस्कस, मंदार फूल। ठीक है, तो ऐसा जो फ्लावर है उसमें आप देखा होगा बीच में से एक चीज निकलता है ना, और उसके आसपास थोड़े और छोटे छोटे होता है, तो ये वाला जो पार्ट है जो बीच में से निकल रहा है वो फीमेल पार्ट है फ्लावर का। ठीक है, फीमेल पार्ट, और ये वाला जो छोटा छोटा निकल रहा है वो मेल पार्ट है। ठीक है, कैसे सर, कैसे क्या, अब ये मेल पार्ट कैसे है और फीमेल पार्ट वो कैसे है, वो कैसे मैं बता सकता है, वो तो अब अगर भगवान को मानता तो भगवान से पूछ सकता है। अब ऐसे ही है ना, मेल पार्ट इसलिए कि उसमें से स्पर्म टाइप का चीज निकलता है जिसको हम बोलते हैं पॉलन। जैसे इंसान में क्या होता है, स्पर्म होता है, और स्पर्म किस चीज के अंदर निकलता है, जो व्हाइट कलर का चीज उसको क्या बोलता है, सीमन। तो वैसे ही प्लांट में क्या होता है, पॉलन, वो मेल है। तो जब प्लांट को रिप्रोड्यूस करना है फूल के द्वारा क्या होगा, जो यहाँ का जो पॉलन है वो धीरे धीरे इस फीमेल जो ये जाता है इसके साथ चिपक जाएगा, और वहां पे अंडा से मिलके क्या बनता है, फिर फ्लावर को बन रखा है, फिर क्या बनता है, फ्लावर क्या बनता है, फ्रूट, फ्रूट्स, फ्रूट, फ्रूट के अंदर क्या है, सीड, सीड है ना। तो जैसे इंसान में भी वही होता है ना, जब स्पर्म और एग, फीमेल का एग और मेल स्पर्म मिलता है तो क्या होता है, अंदर एक नया सीड बन जाता है ना, जिसमें दोनों का डीएनए मिक्स हो गया है, वैसे ही
पॉलन और फीमेल अंडा मिलकर क्या बना रहे, अंदर बीज सीड सीड और उसके आसपास बन गया फ्रूट। ठीक है, अब फ्रूट और फ्लावर क्यों बनता है, अब ये सोचने का बात है। अब ये भी भगवान को ही पता है जो बनाया है, लेकिन एक ऐसा मानना है कि इससे रिप्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि क्या होता है प्लांट के साथ साथ एनिमल्स भी जुड़ जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है इसी फ्लावर, हो सकता है एक यहाँ पे बी आए या कोई भी इंसेक्ट है, हनी बी है ना, मधुमक्खी कुछ आए और उसके पैरों पे पॉलन चिपक जाएगा, जो पॉलन है उसके पैरों पे पंख में चिपक जाएगा, फिर वो जाके किसी दूसरे फूल में बैठेगा, तो क्या होगा इस फूल का पॉलन उस दूसरे फूल के फीमेल एग से मिल सकता है, तो हो सकता है एक नया फ्लावर आ जाए और एक नया फ्रूट बन जाए यहाँ पे ना। और वैसे फ्रूट क्या होता है, इंसान खाता है या कोई भी जानवर खाता है, खा के सीड का क्या करता है, नहीं देता इधर उधर, तो जब सीड अगर जमीन में गिर गया कहीं पे, हो सकता है फिर से एक नया प्लांट हो जाए। तो इस तरह से क्या है, दोनों कनेक्टेड है, प्लांट का मदद कौन करता है, एनिमल्स इंसेक्ट्स उसके रिप्रोडक्शन का। ठीक है, अब वापस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, मेल फीमेल होगा और दूसरा क्वालिटी क्या है कि बेसिकली सेक्स सेल मिल रहा है स्पर्म और एग, और क्या हो रहा है स्पर्म में 23, ये तो इंसान का बात है 23 23, कोई भी जो दूसरा जानवर भी बेसिकली मेल से आधा क्रोमोसोम आएगा और फीमेल से आधा क्रोमोसोम आएगा। मान लीजिए डॉग के एक सेल में, जैसे इंसान के एक सेल में कितना क्रोमोसोम होता है 46, वैसे अगर डॉग का एक सेल में क्रोमोसोम मान लीजिए 100 होता है, तो जब सेक्स के दौरान क्या होगा, जो सेक्स सेल होगा उसमें कितना क्रोमोसोम होगा, 250, हाफ होता है ना, मेल कुत्ता के स्पर्म में 50 होगा और कुत्ता के जो फीमेल डॉग के एग होगा उसमें 50 होगा, दोनों मिलकर क्या बनाएगा, एक नया सेल बनाएगा जिसमें कितना होगा 100 क्रोमोसोम। ठीक है, तो ऐसे ही रिप्रोडक्शन होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि 50 क्रोमोसोम इसका आ रहा है, 50 क्रोमोसोम इसका आ रहा है, तो मिक्स होकर एक नया थोड़ा प्राणी आएगा, वो बिल्कुल इन दोनों के जैसा नहीं होगा। जैसे जब इंसान का बच्चा होता है, हो सकता है कि आंख माँ जैसा है, कुछ कुछ चीजें फादर जैसा है, लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल अलग भी हो सकता है ना, जो बिल्कुल माँ, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर दोनों माँ बाप फेयर रंग का है, गोरा है, लेकिन हो सकता है बच्चा डार्क हो, है ना, हो सकता है, वैसे उल्टा भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि जीन्स मिक्स हो रहा है, समझ रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बस एक ही सेट जीन मिल रहा है, तो हमेशा बच्चा बिल्कुल वैसा ही होगा। अगर मेरा क्लोनिंग होता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मेरा जो क्लोन होगा बिल्कुल मेरे जैसा दिखेगा, आंख ऐसा होगा, बाल ऐसा होगा, लेकिन जब मैं सेक्स करके बच्चा करेगा तो एक नया बच्चा हो जाता है। तो इसका फायदा क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बिल्कुल चेंज नहीं आता है ना, सेम रहता है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है कि अगर एनवायरमेंट बदल जाए, मान लो कल को ज्यादा गर्मी होने लग जाए या फिर कुछ बीमारी फैल जाए, तो इनको बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब एक टाइप का है, अगर एक टाइप का बीमारी एक को लगने वाला है तो सबको लगेगा और सब खत्म हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फायदा है कि क्योंकि हर एक कोई में अलग अलग जीन्स है, तो हो सकता है अगर एक बीमारी फैल रहा है दुनिया में, तो कुछ कुछ जीन्स है जो स्ट्रांग है उसको वो बीमारी नहीं होगा, तो क्या होगा जो बाकी का वीक जीन्स है वो लोग मर जाएगा, लेकिन जो स्ट्रांग जीन्स वाला रहेगा और वो फिर और सेक्स करेगा, तो धीरे धीरे स्ट्रांग जीन्स पूरे स्पीशीज में फैल जाएगा, समझ रहे। इसी के चलते फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फायदा है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लॉस क्या है, लॉस ये है कि जैसे अब इसमें आप देख रहे हैं एसेक्सुअल में एक शुरुआत में एक सेल है, वो दो सेल बनाएगा है ना, ये दो सेल और दो सेल बनाएगा, ये दो ये और चार चार करते करते, तो एकदम नंबर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगा, पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ेगा। अब सेक्सुअल में क्या है, दो प्राणी मिलके एक बनाता है, समझ रहे, तो इसलिए इतना पॉपुलेशन कम बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब लेकिन इंसान लोग तो है, अब वो एक दो मिलके चार पांच बना लेते हैं, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन समझ रहे इसलिए पॉपुलेशन कम बढ़ता है। और लेकिन फायदा यह है कि क्या होगा, इसमें हो सकता है कि इसका स्ट्रॉन्ग जीन आगे बढ़े, क्योंकि जीन्स में चेंज हो सकता है। तो एकदम से मान लो कल को क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है ना, पोल्यूशन की वजह से पृथ्वी गर्म हो रही है, तो हो सकता है जैसे जो लोग अफ्रीका के एरिया में रहता है जहां पे बहुत गर्मी होता है, उनको गर्मी का आदत है,
हो सकता है धीरे धीरे जो बाहर बाहर का लोग है जो ठंडी जगह में रहता है वो भी गर्म हो रहा है, वो लोग धीरे धीरे मरने लग जाएगा। बस अफ्रीका और उनके लोगों का क्योंकि जीन्स गर्मी के लिए अडेप्टेड है, इवॉल्व है, वो लोग चलते रहेगा, समझ रहे। तो पूरा स्पीशीज धीरे धीरे हो सकता है अफ्रीकन की तरह बन जाए, यानी डार्क हो जाए और स्ट्रॉन्ग हो जाए, समझ रहे। और कुछ कुछ प्राणी होता है जो मैंने आपको बताया पांच की तरह जो दोनों एसेक्सुअल सेक्सुअल कर सकते हैं, जैसे स्टारफिश देखा है, स्टारफिश स्टारफिश दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो क्या होता है जब उनके आसपास बहुत सारा खाना है, मौसम अच्छा है, तो वो लोग एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है ना, क्योंकि कुछ बीमारी नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो बस उनको अपना नंबर बढ़ाना है, पॉपुलेशन बढ़ाना है। लेकिन अगर मौसम खराब हो गया, खाना नहीं है, ये सब नहीं है, बीमारी चल रहा है, तो फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है ताकि पॉपुलेशन कम बढ़े लेकिन स्ट्रॉन्गर पॉपुलेशन बने। ताकि अगर एक को बीमारी लग रहा है तो अगर दो मिलके जो नया जीन आ रहा है वो शायद वो बीमारी ना लगे, है ना। तो यही ठीक है। और एक ये सब एसेक्सुअल सेक्शन को हम लोग इंसान में इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बन गया जो हम बोलते रहते हैं बार बार। बाकी जो है कोई भी जानवर, शेर से लेकर जो भी हाथी, सेक्स करने से पहले उन लोगों के दिमाग में ये सब नहीं चलता, जैसे कि आपने बार बार बोला ना आंख ऐसे नहीं हो जाता उनके, उनके लिए नॉर्मल चीज है, हर साल करते हैं, क्योंकि क्या है जाति को बढ़ाना है, स्पीशीज बढ़ाना है, बच्चा पैदा करना है। इंसान में इतना चीज दिमाग में क्यों आ रहा है? एक जो करा कर तुम बोल रहे क्या है, बस एक शारीरिक चीज है ना, क्या है पीनस है और वेजाइना है, पीनस उसके अंदर जाता है ऐसे और क्या है स्पर्म निकलता है और एग से मिल जाता है और नया बच्चा पैदा होता है, बस इतना है, एक शारीरिक चीज है, ठीक है, प्राकृतिक एक एक्शन है, क्रिया है, समझ है। लेकिन उसके साथ हम लोग क्या है बहुत कुछ जोड़ देते हैं, जैसे इमोशन, इमोशन क्या होता है, फीलिंग जोड़ देते हैं ना, प्यार म्यार ये सब बहुत जोड़ देते हैं, जो कि है ठीक है, कनेक्शन है क्योंकि इंसान में दिमाग है। और दूसरा हम क्या जोड़ देते हैं, वही दिमाग, बहुत ज्यादा सोचने लग जाता है उस चीज के बारे में। और किसी भी चीज जो एक बिल्कुल नेचुरल चीज है उसके बारे में अगर आप ज्यादा सोचोगे और उसको शब्दों में समझने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम आएगा। जैसे अगर आप स्पिरिट या एनर्जी को शब्दों में समझने का कोशिश करता है तो प्रॉब्लम आता है। इसमें हम बात करते हैं एनर्जी क्या होता है, तो लास्ट पॉइंट पे आता है बेसिकली। अब लाइफ का बात करते हैं, ये तो क्या है रिप्रोडक्शन, क्या है बेसिकली जिस तरह से लाइफ अपने आप को कॉपी बना के आगे बढ़ता है, ठीक है। तो लाइफ क्या है, फिर से उसी सवाल पे आता है चैप्टर टू में भी आपने बात किया, लाइफ है क्या, जिससे हम जीते हैं, ये तो वही बात हो गया कि जिससे हम जीता है, जीवन क्या है जिससे हम जीता है, समझ रहे तुम क्या प्रॉब्लम बोल रहे हो में। खाना क्या है जिसको हम खाता है, ये बोल रहे तुम बेटे, समझ रहे ना, जीने के लिए जो कुछ करता है। तो जीना क्या हुआ, प्रॉब्लम नहीं है, ये सवाल अभी तक हम लोग नहीं समझ पाए, हजारों साल से समझने का कोशिश कर रहा है, फिलोसफर रिलीजन साइंस सब कुछ समझने का कोशिश कर रहा है अपने तरीके से, लेकिन अभी तक इस चीज का हमको नहीं पता है कि असल में जीवन है क्या, है ना। हमको ये पता है कि जो है बॉडी जो चल रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है स्पाइन और ब्रेन से जो कि आपके दिल को हिलाते रहता है, धक धक करता है, और उसके मोशन से हिलने से क्या होता है खून पूरा बॉडी में जा रहा है, ये सब ठीक है। लेकिन दिल को जो क्या हिला रहा है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी जो जा रही है वो है क्या, वो कहां से आई है, ये सब चीजें हमको नहीं पता है। क्या स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड में वो एनर्जी कहां से आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से वो इलेक्ट्रिसिटी क्या कैसे निकल रहा है, उस इलेक्ट्रिसिटी में ये सब जानकारी कैसे जमा है कि क्या करना है उस इलेक्ट्रिसिटी को, समझ रहे। ये चीजें हमको नहीं पता है, हो सकता है 100 साल बाद या कल 10 साल बाद कोई साइंटिस्ट का, हो सकता है तुम लोगों में से कोई आगे जाके साइंस पढ़े और इस चीज का बाहर निकाले, हो सकता है, ठीक है, साइंस हमेशा आगे बढ़ते रहता है। लेकिन फिलहाल हमको ये नहीं पता है लाइफ क्या है, लेकिन हमको लाइफ का गुण पता है। तो लाइफ का एक बहुत दो गुण है, क्या, कि लाइफ अपने आप को प्रोटेक्ट करता है,
और प्रोपोगेट करता है या फिर प्रोपोगेट की जगह स्प्रेड करता है। प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा, अपने आप को बचाता है कहीं पे भी, है ना। जैसे अगर आपको पता है कि थर्ड फ्लोर बिल्डिंग से नीचे कूदने से क्या होगा, मर जाएगा, तो आप नहीं कूदेगा ना। इवन छोटा बच्चा को पता होता है, छोटा बच्चा को आप थोड़ा अगर कहीं पर दर्द लग रहा है, आपने उसको हाथ पहली बार में शायद आपके हाथ डाल देगा, लेकिन दूसरी बार अपने आप उसको बताने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा कि आपने हाथ मत लगाओ, अपने आप हटा देगा। कौन बता रहा है उसको? आपने नहीं सिखाया, ऑलरेडी डीएनए में प्रोग्राम है, ठीक है, लाइफ में ऑलरेडी लाइफ में प्रोग्राम है। और दूसरा क्या, स्प्रेड प्रोपोगेट, यानी कि हाँ अपने आप को बढ़ाएगा। कैसे कैसे बढ़ाता है लाइफ अपने आप को? रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये दो गुण है लाइफ का, लाइफ क्या है वो नहीं पता है हमको, है ना। हाँ लाइफ क्या है वो नहीं पता है, लेकिन लाइफ क्या करती है ये हमको पता है। दो गुण ये है, ठीक है, प्रोटेक्शन और प्रोपोगेशन। तो इसके चलते क्या होता है, जैसे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है सर्वाइवल के लिए, है ना, और दूसरा प्रोपोगेशन के लिए प्रोक्रिएटिव इंपल्स। तो इसका जैसे आपने वीडियो देखा है कुछ इस पे बात करता है सर्वाइवल, कुछ कुछ आपने देखा है, जैसे कोई इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट पता है ना क्या होता है, कोई इंसेक्ट होता है जो बिल्कुल एक पत्ते जैसा दिखता है या फिर जो बिल्कुल एक डंडी जैसा दिखता है, देखा है ना, यहाँ पे तो जरूर देखा होगा। तो वो ये सब क्यों करता है, ऐसा क्यों इवॉल्व हुआ है, वो इतने हजारों साल लगे उसको ऐसा बनने के लिए, क्यों जीने, ताकि कोई जो उसको खाने आ रहा है तो उसको पता ना लगे, समझ रहे। इसको बोलते हैं कैमोफ्लाज, CAMOUFLAGE। इसी चीज का हम लोग इंसान भी इस्तेमाल करता है, जो वॉर होता है, सोल्जर होता है, आर्मी होता है ना, जो युद्ध आर्मी का यूनिफॉर्म ऐसा क्यों होता है, ग्रीन कलर का पत्ता होता बना होता है, क्यों? हाँ छुपे ले, ताकि जंगल में अगर युद्ध हो रहा है तो पेड़ों के बीच छुपेगा, दिखेगा नहीं। वैसे उनका यूनिफॉर्म अगर राजस्थान में, जैसे अगर डेजर्ट में यूनिफॉर्म उनका येलो कलर का हो जाता है, वैसे अगर बर्फ वाला जो आर्मी होता है जैसे रशिया ये सब का, वो व्हाइट कलर का पहनता है, उसी चीज को कैमोफ्लाज बोलते हैं। और वो प्रकृति के लिए है, जैसे एक इंसेक्ट जो आपका बिल्कुल पत्ते जैसा लगता है, अगर वो पत्ता यहाँ पे है तो आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सा लीफ है कौन सा इंसेक्ट है, वैसे ही डंडा वाला इंसेक्ट, ठीक है, कलर ये सब क्या है, अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। और भी कई चीज होता है, जैसे फ्रॉग होता है, जो फ्रॉग के यहाँ पे एक दो ग्लैंड होता है, वो उसको फुला के एकदम ऐसे इतना बड़ा हो जाता है, क्यों? उसको अगर कोई खाने आ रहा है तो उसको डरा सकता है, उसका इतना सा साइज है, लेकिन उस चीज को इतना बड़ा कर लेता है, समझ रहे ना। जैसे फ्रॉग ये है, यहाँ पे ऐसा फ्रॉग है, इतना सा है साइज, लेकिन उस चीज को इतना बड़ा कर लेता है, और कोई उसको अगर यहाँ से देख रहा है तो उसको लगेगा कि इतना बड़ा जानवर है, लेकिन है वो इतना सा। ये भी क्या है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा कई चीज है, ये सब कैसे बना है, एवोल्यूशन, बहुत हजारों साल लगे इनको धीरे धीरे, और एवोल्यूशन कैसे होता है, वही जीन्स के थ्रू। अब ये लोग क्या होगा, जैसे शुरुआत में नॉर्मल फ्रॉग है जो बस ऐसे ही रहता है, उसको क्या होगा, आके सांप खा लिया, ठीक है, इसको सांप शायद नहीं खाया, है ना, क्योंकि ये बड़ा हो जाता है। तो क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे टाइप का अलग सब मरने लग जाएगा, उसको सांप खा लेगा, बचेगा कौन सा ऐसा फ्रॉग, तो धीरे धीरे पूरे फ्रॉग का स्पीशीज ही ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादातर ये सब एवोल्यूशन जीन्स के थ्रू होता है इस तरह से, ठीक है, क्योंकि जो बच जाएगा वही अपने आप को और रिप्रोड्यूस करेगा ना, ये तो अब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ये करेगा तो इसी का जीन्स आगे बढ़ेगा, ठीक है। और ये सब कौन हमको समझाया था, चार्ल्स डार्विन, ठीक है, एक बहुत महान इंसान था जो पूरा इधर उधर बहुत दूर दूर पूरा दुनिया में शिप पे घुमा और करोड़ों जानवरों का उसने डायरी बनाया, और उसका कैमरा ये सब नहीं था, ये 1800s में होता था, ठीक है, अभी तो हम लोग फोटो ले लेता है, वो ड्राइंग कर करके एक एक बर्ड का एक एक जानवर का ड्राइंग बनाया और उनके बारे में उनको घंटों दिन पूरा महीना बैठ के उनके बारे में देखा, ये लोग कुछ जानवर ऐसा है कुछ जानवर ऐसा है, क्यों हुआ ये सब सोच सोच के पूरा उसने ये थ्योरी एवोल्यूशन का बनाया, ठीक है। ये एक बहुत महान थ्योरी है, इसके हिसाब से पूरा दुनिया हमारा बदल गया है, क्योंकि डार्विन से पहले हम क्या मानता था कि सब भगवान ने बनाया और धीरे धीरे ऐसे ही बन गया है। डार्विन पहला आदमी था जिसने बोला नहीं,
क्योंकि क्या है, जब अगर रेवोल्यूशन आप नहीं समझेगा तो आपको लगेगा ना कि बैक्टीरिया और इंसान में कुछ कॉमन नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन डार्विन ने समझाया कि नहीं, बैक्टीरिया से ही धीरे धीरे सब जीवन आगे बढ़ाया। और ठीक है, तो एक और जो आपको चीज बोलता है क्या है, सर्वाइवल। सब सर्वाइवल का खेल है ना, और सर्वाइवल क्या होता है, दो लेवल पे होता है। क्या लेवल पे? हाँ, सर्वाइवल। तो एक होता है इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल क्या व्यक्ति के लेवल पे है ना, वो क्या होता है, फूड और नहीं, फूड एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी यानी कोई प्रोटेक्शन, अपने आप को बचाना। और दूसरा क्या हो, स्पीशीज। स्पीशीज के लेवल का सर्वाइवल यानी रिप्रोडक्शन है ना। जैसे क्या है, अब परमानंद, परमानंद को अपने आप को सर्वाइव, अपना जीवन बचाना है, तो वो क्या करेगा, छुपेगा, खाना खाएगा, रोज अपना अपने लिए खाना ढूंढेगा, खाना खाएगा, और क्या है, बिल्डिंग से नहीं कूदेगा, आग में नहीं कूदेगा, अपने आप को चाकू नहीं मारेगा, या फिर अगर कोई उसको मारने आ रहा है तो या तो उसको वापस मारेगा या फिर भागेगा या छुपेगा, है ना। तो ये इंडिविजुअल। अब लेकिन अगर परमानंद को, अब परमानंद तो मर जाएगा थोड़े टाइम बाद, है ना, लेकिन परमानंद का स्पीशीज क्या है, मैन, ह्यूमन बींग, हम सबका स्पीशीज सेम है। परमानंद का स्पीशीज को बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, परमानंद को रिप्रोडक्शन सेक्स करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन परमानंद को क्या इंसेंटिव है, वो क्यों करे सेक्स, पूरा अपना जीवन खा के अपना आराम से अपना मस्ती में गुजार सकता है, अपना टाइम वो सेक्स में क्यों दौरान करे, कि सेक्स करने का बच्चा होगा उसको उसका देखभाल करना पड़ेगा, उसको जीवन भर खिलाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, क्यों कर रहा है परमानंद, अपने लिए, अपने जीवन के लिए क्यों नहीं जी रहा है, आराम से मस्ती क्यों नहीं कर रहा है, जाति को बढ़ाने के लिए। लेकिन क्यों, ये कहां से आया ये चीज की जाति को बढ़ाना है, कौन बोलता है ये चीज, दिमाग में कहां से है, वही नेचर प्रकृति। तो वही, ये भी एक लाइफ का चीज है जो हमको नहीं पता है, क्यों होता है इसका नहीं पता है, ठीक है। लेकिन सब जानवर करता है ना, सब जानवर ये चीज करता है, अपने आप को बचाता है और अपने आप का कॉपी बनाता है। क्यों बनाता है, कहीं की वाई, ये चीज फिलोसफी, साइंटिस्ट, पंडित, धर्म, क्रिश्चियन सबको ही समझने का कोशिश कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, ठीक है। और समझ है, कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, कमिटमेंट देखो, सी ओ मतलब है, मतलब अपने आप को कोई चीज, मैंने अपना अपना जो मन में बात कर रहे थे उसके प्रति डेडिकेशन टाइप होना चाहिए, एग्जैक्ट मीनिंग है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, स्पीशीज का कोई भी जो इंडिविजुअल होता है, अगला जनरेशन पता ना, जनरेशन पीढ़ी, अभी आप लोगों का जनरेशन, इससे पिछला जनरेशन क्या था, आपके माँ बाप का, अगला जनरेशन क्या होगा, आपके बच्चों का। तो कोई भी इंडिविजुअल नेक्स्ट अपने जनरेशन के लिए, नेक्स्ट पीढ़ी के लिए कमिटमेंट बनाता है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, है ना। सर समालोचना करेगा, एंगेजमेंट और डेडिकेशन, हाँ डेडिकेशन का मतलब है क्या, हाँ एक तरह से सैक्रिफाइस लेंगे, हाँ इस तरह से सैक्रिफाइस, सही बोल रहे, समझ गया सबको, बहुत क्या है, बेसिकली वही बात, जैसे कि परमानंद अपना जीवन आराम से बिता सकता है, अपना खाना खा के, अच्छा अच्छा खाना खा के, अपना पैसा जितना नौकरी कर रहा है वो सब अपने लिए खर्च करेगा, वो सब पैसा अपना टाइम वो एक नया जनरेशन को बढ़ाने में क्यों लगाए, समझ रहे, हाँ दायित्व, हाँ। तो वही, इसीलिए हर जनरेशन अपना नेक्स्ट जनरेशन के लिए दायित्व करता है, उनका पहले तो उनको जन्म देता है और फिर पोषण देता है ना, ठीक है। और इतना कुछ जैसा हमने देखा, और ये चीज क्या है, प्रोग्राम है, जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम पहले से होता है, वैसे हम लोग के अंदर प्रोग्राम है कि बच्चा करना है और उसको जन्म देना और पोषण देना है, ठीक है। कहां से आ रहा है, कहीं की आ रहा है ये नहीं पता, लेकिन आगे जैसे हमने वीडियो देखा, आइबेक्स, डियर, ये सब क्या है, मेल एक दूसरे से फाइट करता है ना, वैसे ही कुछ बर्ड्स क्या करता है, डांस करता है, और कुछ बर्ड जैसे पीकॉक,
पीकॉक मेल, हमेशा बर्ड्स आप देखेंगे मेल कलरफुल होता है और फीमेल ब्राउन या ग्रे होगा। पीकॉक भी देखा है ना, पीकॉक मेल कैसा होता है, फुल कलर वाला होता है और फीमेल कैसा होता है, ब्राउन ग्रे, है ना। क्यों है ये चीज, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके फीमेल को। और क्या है, एवोल्यूशन से हुआ है। हो सकता है करोड़ साल पहले पीकॉक ऐसा नहीं था, हजार साल पहले पीकॉक भी ब्राउन ही था, लेकिन धीरे धीरे इवॉल्व होने लग गया वो ताकि फीमेल को अट्रैक्ट कर सके। तो इतना मेहनत, इतना ये सब वो क्यों कर रहा है फिर से, ताकि नेक्स्ट जनरेशन आ सके, है ना, फीमेल को इंप्रेस कर रहा। और फीमेल के पास चॉइस क्यों है, क्योंकि जन्म वो देती है, वो अपना टाइम अपना एनर्जी पूरा लगा दे। जैसे इंसान में क्या होता है, 9 महीने तक फीमेल सोच नहीं कर सकती है बच्चा दे रही है, तो इसलिए वो चूज करती है, क्योंकि उसको मेहनत करना पड़ रहा है ना। आदमी तो सेक्स करके चला जाएगा, वो उसके बाद एक जगह और सेक्स करता है, उसके बाद और जगह और सेक्स कर सकता है, हर जगह अपना बच्चा पैदा करता है। औरत लेकिन एक टाइम पे एक ही बार बच्चा पैदा करती है, इसलिए चॉइस औरत के पास होता है, ठीक है। और फिर नेचर में भी आप देखते हैं, बस इंसान में नहीं, हर जगह कुछ कुछ स्पीशीज में इम्पैक्ट उल्टा होता है। जैसे एक प्रेइंग मैंटिस करके ग्रीन कलर का कीड़ा देखा है, जो ऐसे बैठता है, देखा है ना, वो सेक्स के बाद पता है क्या करती है, जो औरत होती है वो मेल का सर चबा जाते हैं और मार देते हैं उसको। प्रेइंग मैंटिस जो ऐसा एक कीड़ा होता है ना, ऐसा बैठता है एकदम, ऐसे हाथ जोड़ के बैठता है, ऐसा लगता है सेक्स करते हैं वो, उसके बाद जो फीमेल है वो मेल का ऐसे सर चबा जाती है और वो मर जाता है मेल। और लेकिन मेल फिर भी वो चीज करता है, क्यों, इसका लॉजिक क्या है। बेसिकली सेक्स के दौरान, अंडा बनाने के दौरान, अंडा को फर्टिलाइज करने में जो औरत का बहुत एनर्जी निकल जाता है, लेकिन फिर भी अंडा को उसको आगे बनाना है, तो उस एनर्जी के लिए वो उसको खा के, उसका खाना लेके आगे बढ़ती है, ठीक है। तो मेल का काम बस अपना स्पर्म डाला और उसके बाद वो मर जाता है, लेकिन फिर भी वो सेक्स करता है, क्यों, क्योंकि वही कमिटमेंट है, जो डेडिकेशन है नेक्स्ट जनरेशन के, तो वो मरने को भी तैयार है, समझ रहे। जानवर इंसानों में भी देखा है ना, अगर बच्चा को बचाने के लिए पेरेंट्स मरने को भी तैयार होता है ना। कल को अगर सोचो तुम और तुम्हारा पेरेंट्स कहीं खड़ा है, और मान लो कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक डाकू आ जाता है और गन के साथ, और तुम्हारे फादर के सर पे गोली लगते हैं या तुम्हारे सर पे गोली लगता है, बोलता है या तो तुम मरेगा या तुम्हारा बच्चा मरेगा, क्या लगता है तुमको, क्या बोलेगा तुम्हारा फादर, हाँ मुझे मार तो बच्चा को छोड़ना ना। तो इतना प्यार, इतना चीज प्रोग्राम दिमाग में, डीएनए, कि अगला जनरेशन बढ़ना चाहिए, ठीक है, मरने को भी तैयार है जानवर इस चीज के लिए। और वैसे ही कई और चीजें हैं, जैसे मैंने बताया था क्या होता है, कुकू बर्ड, कुकू बर्ड क्या करती है वो, ये नेक्स्ट है, हाँ क्या करती है बताओ, हाँ तो कौवा है, कुकू देखा कभी, कुकू बर्ड, हाँ थोड़ा थोड़ा वो कौवा जैसा ही दिखता है, ब्लैक कलर का, ठीक है, कोयल, कोयल, तो क्या करता है वो, एक नेस्ट है, कुकू बर्ड ने अपना सेक्स कर लिया है, फीमेल कुकू बर्ड अब आ जाती है यहाँ पे, यहाँ पे ये है क्रो का नेस्ट है, कौवे का नेस्ट है, वहां पे 3 अंडा पड़ा हुआ है। जब उसकी माँ, कौवा माँ चले जाती है खाना ढूंढने के लिए, तो पीछे से कुकू बर्ड आती है, चुपचाप से अपना अंडा यहाँ पे रख देती है, और अभी भी अब 4 हो गए ना, हाँ एक इस अंडा को लात मार के नीचे गिरा देगी, ठीक है। और अब ये है कुकू का अंडा, ये वाला, अब जो ये है कौवा है, बेवकूफ है थोड़ा, उसको पता नहीं था, वो वापिस आता है अच्छे से, कौवा की माँ उसके बैठती है, गर्म करती है, तो उस मामले कुकू क्या है, ये भी इस तरह का एक एवोल्यूशन है ना, और ये पीढ़ियों भर कर रहा है, ये हर बार होता है, कौवा फिर भी करता है, यानी इतना बेवकूफ है, हर बार वो फिर से उसके बच्चे को आगे बढ़ाता है, और ये हर बार यही करती है, एवोल्यूशन, ठीक है। उसने ये थोड़ा इंटेलिजेंट है, ये खुद मेहनत नहीं करना चाहती, खुद नहीं बैठना चाहती अंडे में, 1 महीना तक खुद नहीं करती है, तो अंडा देके चली जाएगी, वो आएगा कौवा उसको अच्छे से बड़ा करेगा, इवन जब कोयल निकल जाएगा यहाँ से बच्चा, उसको खाना भी खिलाएगी बड़ा हो जाता, तो ये भी क्या एवोल्यूशन है, और एक तरह से सर्वाइवल का जो एक टेक्निक है, हर कोई अपना टेक्निक बनाता है ना। शेर का बचने का टेक्निक क्या है, शेर का सर्वाइवल का टेक्निक है कि सबको मार के खाना बनाना है ना, वैसे
डियर का टेक्निक क्या है, स्पीड, की अपने आप को बचा के रखना। तो हर कोई प्राणी का अपना अपना तरीका है सर्वाइव करने का और अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाने का, ठीक है। वैसे एक आपको एग्जांपल दिया था कि 20-30 फुट का जो पेड़ होता है अमेजन रेन फॉरेस्ट या फिर ऐसे जगहों में, एक छोटा सा फ्रॉग सेक्स कर लिया है, उसका अंडा फर्टिलाइज हो गया उसके पेट के अंदर, लेकिन वो अंडा यहाँ पे नहीं देगी, वो पूरा यानी उसको एक दिन लग जाता है, इतना छोटा सा जानवर है, एक दिन लग जाता है यहाँ पहुंचने में, यहाँ पे वो एक पत्ता ढूंढती है और वहां पे अपना अंडा देती है। क्यों? सुरक्षा के लिए, यहाँ पे कोई भी खा लेगा उसका अंडा, यहाँ पे कम उठाएगा, ठीक है। और ये सब भी कोई उनको कोई स्कूल में नहीं पढ़ाता है, कोई सिखाता नहीं है, ऑलरेडी डीएनए प्रोग्राम है कि ये करना है, पीढ़ी पर पीढ़ी, पीढ़ी पर पीढ़ी ये चलते रहता है, ठीक है। तो बेसिकली लास्ट पॉइंट, ठीक है, डार्विन के अलावा जीवन ऐसा क्यों है, जीवन अपने आप को सर्वाइव क्यों करना चाहता है, अपने आप को क्यों बचाना चाहता है? लेकिन जीव जैसे आप लोगों के अंदर जो है, आप कुछ काम करता है, खेलता क्यों है, मजा आता है, बोर हो रहा है, टीवी देख लेता है, तो वैसे लाइफ अपने आप को सर्वाइव क्यों करना चाहती है, रीजन क्या है उसका? जब मनुष्य बहुत कठिन काम करता है इसलिए तो इसे बच्चा पैदा करते हैं, ये जाते हो वही, जैसे मैं ना ये सवाल हमको अभी तक नहीं पता है इसका जवाब, है ना। और वैसे ही सेल्स और इलेक्ट्रिसिटी जो सिग्नल आपके शरीर में चल रहा है, नसों में चल रहा है, उसके अलावा लाइफ असल में क्या है, ये सवाल भी हमको नहीं पता। जैसे एनर्जी का बात करता है साइंस में, एनर्जी का क्या बोलता है कि एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है, एनर्जी को नष्ट नहीं कर सकता, एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता है, लेकिन एनर्जी असल में क्या है वो हमको नहीं पता है। इवन मैटर, मैटर को क्या बोलते हैं कि एटम से बना है, लेकिन मैटर असल में है क्या चीज, एनर्जी की तरह हमको नहीं पता है ये सब, ठीक है। साइंस कोशिश करता है, फिलोसफी कोशिश करता है, रिलीजन कोशिश करता है, धर्म ये सब सवाल उठाने की कोशिश करता है, लेकिन हजारों साल से अभी तक हम उतना ही है, कुछ नया हमने ऐसा चीज के बारे में नहीं सीखा है, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट था ये भूल गया, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन वीडियो देखा था अंदर क्या होता है, बेसिकली मेल और फीमेल एग और स्पर्म का संगम मिलन, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। कुछ कुछ जानवरों के फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर होता है, या फिर स्नेक, या फिर उसमें क्या होता है, जो मदर होती है वो अंडा बाहर पहले दे देती है, उसके बाद मेल आता है और अपना स्पर्म उसके अंदर डालता है और फिर बाहर ही बच्चे निकलते हैं। कुछ कुछ बाकी जानवर में क्या होते हैं, मैमल जैसे में उसमें फर्टिलाइजेशन अंदर होता है, है ना, ठीक है। चले तो ये अभी आज हम रिप्रोडक्शन पे बात किया, अगली बार हम थोड़ा ह्यूमन सेक्स और जेंडर पे बात करें। जेंडर क्या होता है, लिंगो, लिंग, और सेक्स क्या होता है, हाँ जेंडर, सेक्स क्या है, सेक्स शारीरिक चीजों से आप देखते हैं ना कि मेल में पीनस होता है, फीमेल में वजाइना, मेल में चेस्ट होता है, फीमेल में ब्रेस्ट होता है। जेंडर क्या होता है, जो चीज आप नहीं देख सकते लेकिन आपको आप बोलता है कि हाँ जैसे कि हाँ औरत का काम ये है, आदमी का काम ये है, हाँ औरत का काम है बच्चे को प्यार देना, आदमी का काम है बाहर जाके पैसा कमाना, ये सब जेंडर इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हाँ आदमी शर्ट उतार के घूम सकता है, औरत शर्ट उतार के नहीं घूम सकती, क्यों, ये जेंडर है, ठीक है, समाज से ये सब जो चीजें आती है वो जेंडर है, इस पे बात करेंगे।